अस्सलाम वालेकुम जी। टुडे आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज अरेंजमेंट ऑफ आर्टिफिशियल टीथ। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ टीथ वी गो फॉर अरेंजमेंट ऑफ द टीथ। इन कंप्लीट डेंचर वी अरेंज एंटीरियर टीथ फॉर aesthetics, phonetics, and also for function. And in posterior, posterior teeth mainly for function, mastication, and their swelling, for swelling. तो इस तरह से हमने ये arrangement of teeth जो है आपका after taking the jaw relations, चार रिलेशन में आपने वर्टिकल, सेंट्रिक और हॉरिजेंटल रिकॉर्ड किया। आर्टिफिशियल टीथ लगाने से पहले आपने देखा कि हमने अक्लूजन रिम्स जो हैं वो प्रॉपर प्लेस किए। अक्लूजन रिम्स जो हैं उनमें आपका अपर एंटीरियर अक्लूजन रिम जो है वो पैरेलल टू दी इंटरप्यूपलरी लाइन है और लिप जो है आपका लिप से 1 to 2 millimeter लॉन्ग है। तो इस तरह से पोस्टीरियर अक्लूजन रिम जो है हमने वो अक्लूजल प्लेन के मुताबिक डिटरमिन किया। अक्लूजल प्लेन जो है आपका वो एला ट्रेगस लाइन हमने ड्रा की फॉक्सिस प्लेन के साथ। तो इस तरह से हमने अक्लूजन रिम और उसका लिप प्रोफाइल जो है लेबियल प्रोफाइल हमने देखा कि ये एंटीरियरली 10 टू 15 डिग्री हमने इसको लिप के साथ सपोर्ट दी है उसकी। हमारे एम्स क्या हैं अरेंजमेंट ऑफ टीथ के हवाले से, इसमें सबसे मेन जो आपकी रेजिडुअल रिज जो बोन आपके पास बची है उसको हमने प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व इस तरह से करना है कि आपकी जो अक्लूजन है वो नॉर्मल होगा, टीथ अरेंजमेंट जो है वो नॉर्मल होगी, आपकी इल फिटिंग अक्लूजन या उसमें एरर्स नहीं होंगे अरेंजमेंट के वक़्त, तो फिर ही ये रिज जो है वो बच सकेगी। एस्थेटिक्स में ये है कि ये मेनली जो इंटीरियर टीथ हैं इनका रोल ही एस्थेटिक्स के लिए है। आपने इनका कलर सेलेक्ट किया, शेड सेलेक्ट किया, साइज सेलेक्ट किया, तो इस आपने प्री एक्सट्रैक्शन गाइड्स लीं और पोस्ट एक्सट्रैक्शन गाइड्स लीं। और एस्थेटिक में आपने देखा कि आप जब ये सेटअप करेंगे तो आपका ओल्ड डेंचर जो हैं वो आपको बहुत हेल्प देंगे। अगर पेशेंट जो इस वक्त डेंचर ओल्ड डेंचर वियर कर रहा है तो उसमें ये है कि आपने उसके साथ डिस्कस किया, ख़ुद डिसाइड किया कि ये ओल्ड डेंचर मिड लाइन प्रॉपर हमने ली है, उसमें कलर जो है वो उसके मुताबिक लिया है, और मेन इस वक्त जो आपने जो चीज़ देखनी है तो वो किस तरह से स्क्वेरिश टाइप में टीथ लगे हुए थे, ओवॉइड फॉर्म में है या टेपरिंग में, तो वो आपको ओल्ड डेंचर जो है या फोटोग्राफ्स कुछ गाइड कर सकते हैं, ओल्ड मॉडल्स जो हैं वो भी आपको। तो इस तरह से एस्थेटिक्स जो है वो पेशेंट की डिमांड है सबसे ज़्यादा कि आपके जो टीथ लगे हुए हैं वो एस्थेटिकली प्लीजिंग हों। तो उसमें कोई अक्लूजल एरर जो हैं आप ऐड करते हैं तो वो पेशेंट की डिमांड के मुताबिक करैक्टराइजेशन कि वो मोर नेचुरल लगें। तो इस तरह से आप ये एस्थेटिक्स में लिप जो है आपका वो लिप प्रोफाइल, इसका लेबियल प्रोफाइल जो है वो देखते हैं कि ये ज़्यादा आउटवर्ड आपके टीथ लगेंगे तो वो बल्कि फेस हो जाएगा, अगर इनवर्ड लगेंगे तो लिप जो है वो लटकता हुआ और उससे फ्री नज़र आएगा टीथ से। मैस्टिकेटरी एफिकेसी में आप देखते हैं कि पोस्टीरियर टीथ मेनली फॉर मैस्टिकेशन है,
तो इस मेस्टिकेशन को हम ये अक्लूजल टेबल जो है इनका शार्ट रख के न्यूट्रल जोन जो नेचुरल टीथ जहाँ पर लगे हुए थे वहाँ से थोड़ा कम करके हम तो इसको हम इस तरह पॉलिश सरफेस ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं और इसमें स्वेलिंग और डेग्लूटेशन में जो है आपका जो बोलस ऑफ फूड है वो अक्लूजल टेबल के ऊपर अक्लूजल सरफेस पे बार बार आ जाता है, उसके बाद फिर वो डेग्लूटेशन में जाता है। तो आपने ये देखें कि एक तरफ आपका ये एक तरफ आपके ये बक्सीनेटर मसल है चीक्स के लिए और दूसरी तरफ सामने ऑर्बिकुलरिस ऑरस मसल है और इन साइड जो है वो आपकी टंग है। तो टंग अगर ज़्यादा पावरफुल होगी तो आपके डेंचर को बाहर की तरफ पुश करेगी और इसी तरह से अगर आपके बक्सीनेटर और ऑर्बिकुलरिस ऑरस मसल या ये लिप मसल या चीक मसल जो हैं वो ज़्यादा आउटवर्ड आपने डेंचर लगा दिया तो वो डेंचर को इनवर्ड पुश करेंगे। तो इस तरह से जब आप एंटीरियर टीथ लगाते हैं तो उसमें जो आपका लेबियल प्रोफाइल है उसको आपने ज़रूर कंसिडर करना है। लेबियल प्रोफाइल में एक इसका है कि आपका जो सेंट्रल इंसाइजर आप लगाएंगे या इंटीरियर्स लगाएंगे तो वो जो आपके गम की तरफ से 2/3 जो है वो लिप के साथ अटैच हो और इंसाइजल 1/3 फ्री हो आपका। तो इस तरह से आपने लोअर आपका जा जो है वो आपने 1:2 में जब सेंट्रिक में आपने लिया तो उससे वो आपका जो है ना इंटीरियर से पीछे रहेगा। रिटेंशन ऑफ द डेंचर में आप ये देखें कि रिटेंशन जो है वो आपकी जब डेंचर स्टेबल होगा जब आपकी ओक्लूजल फोर्सेस वर्टिकल पड़ेंगी तो डेंचर जो है वो मूव नहीं करेगा। तो रिटेंशन क्या है आपकी, ये अपोजिट टू दी पाथ ऑफ प्लेसमेंट है। तो इसी तरह से अगर जब आप स्टेबिलिटी के लिए आप ये डेंचर जो है इसमें जिस तरह मैंने बताया कि आपके एक तरफ मसल्स हैं और दूसरी तरफ टांग है और इनमें से कोई भी आप इससे हट के लगाते हैं न्यूट्रल जोन से तो ये आपके डेंचर में स्टेबिलिटी का इफेक्ट आएगा। तो आप ये देखें ये ओक्लूजन रिम्स जो हैं यही आपने वो प्रॉपर एरिया जगह डिसाइड की है जहाँ पर आपके इंटीरियर और पोस्टीरियर टीथ आने हैं। तो इसके लिए ये है कि आप लैंडमार्क्स हैं आपके, आपने फ्रंट पे आपने इंटरप्यूपलरी लाइन के साथ आपने देखा कि आपकी इन्फीरियर जो बॉर्डर है इन्फीरियर लाइन ऑफ दी अपर ऑक्लूजन रिम वो पैरेलल है। फिर उसके बाद आपने ये ऑक्लूजल प्लेन जो है वो आपने डिटरमिन किया है एलाट्रेगस लाइन के ज़रिए। इसी तरह लोअर में आपका जो है वो ऑक्लूजल प्लेन आप भी डिटरमिन करते हैं कॉर्नर ऑफ द माउथ से लेके सेंटर ऑफ द रिट्रोमोलर पैड तक। और इसमें जो लैंडमार्क्स आपने आप ये जो टीथ सेट करने हैं तो उसमें डिफरेंट पहले तो साइज सेलेक्ट किया, उसमें आपने प्री एक्सट्रैक्शन पोस्ट एक्सट्रैक्शन पेशेंट की कंसेंट खुद अपना सारा वो उसमें इन्वॉल्व होके आपने साइज सेलेक्ट किया शेड सेलेक्ट किया। अब अगर आप टीथ लगाने लगे हैं तो उसमें आपके पास आर्टिकुलेटेड वैक्स रिम्स हैं, डेंचर बेस है और आपके पास साइज ऑफ टीथ और शेड साइड साइज ऑफ टीथ और शेप ऑफ द टीथ ये एक मोल्ड को जाहिर कर रहे हैं कि ये एक मोल्ड है। तो उसमें शेड जो आपने सेलेक्ट किया वो उसके साथ नंबर ऑफ द शेड जो है ना वो शेड गाइड से आपने ले लिया है। तो इस तरह से आपके पास अब स्ट्रिप ऑफ टीथ है, इंटीरियर टीथ है, पोस्टीरियर टीथ है, अपर टीथ हैं, लोअर टीथ हैं, इनमें से आपने स्टेप बाय स्टेप आपने टीथ लेने हैं। और अक्लूजन रिम का जो इन्फीरियर बॉर्डर है आउटवर्ड ये बेशक आप ग्लास ग्लास स्लैब के ऊपर रख के
तो इसको आप मार्क कर लें। अब आपके जो क्लूजन रिम आपने डिटरमिन किया है, उससे ये आपके टीथ बाहर नहीं जाने, आउटवर्ड नहीं जाने, उसी की जो कंटूर है, जो लैटरल वॉल है अक्लूजन रिम की, उसके अंदर ही आपके टीथ रहने, एंटीरियर भी और पोस्टीरियर भी, ठीक है ना। तो उसमें आपने जब आप लोअर टीथ लगाएंगे तो आप कॉर्नर ऑफ माउथ है, डिस्टल ऑफ द के नाइन है, या टेप ऑफ द केनेन, या रिट्रो, ये इसके आपके प्रीमोलर की जो है आपकी, ये आपकी लैंडमार्क है कि प्रीमोलर्स में आपकी जो है वो रिज जो है लोअर जा की, वो आउटवर्ड और इनवर्ड बराबर ही रिजार्व होती है। तो पोस्टीरियर में आपने बाइसेक्ट किया सेंटर से आपने रिट्रोमोलर पैड को, और ये लाइन जो है टिप ऑफ द के नाइन से लेके रिट्रोमोलर पैड के सेंटर तक जो जा रही है, इसी पर ही आपके जो पोस्टीरियर टीथ हैं वो लगने हैं। तो ये आपकी एक लैंडमार्क है कि असेंडिंग रेमस जहाँ से या रिट्रोमोलर पोर, वो सिलेक्शन के वक्त हमने देखा कि उसके ऊपर हमने टीथ जो हैं वो नहीं लगाने, ताकि आपकी अक्लूजल फोर्सेस जो हैं वो वर्टिकल रहें, ठीक है। तो इस तरह से आपने लोअर में भी आपने उनकी हाइट डिटरमिन कर ली है, और अक्लूजन रिम्स के लेबियल प्रोफाइल से आपने इनकी विड्थ जो है वो डिटरमिन कर ली है, और जो विड्थ ऑफ द टीथ है आपने वो कितने साइज के हमने लगाने हैं वो भी आपने डिटरमिन कर ली है, कि इस तरह से आपका जो है वो एंटीरियर टीथ और पोस्टीरियर टीथ इसी अक्लूजन रिम के अंदर हमने लगाने हैं, ठीक है जी। हेल्थ एंड कंफर्ट ये सबसे ज़रूरी है। अगर आपका वर्टिकल हाई कर दिया आपने, दांत ऊंचे रख दिए हैं, तो वो भी टीएमजे को भी प्रॉब्लम देगा और टिश्यूज़ को भी प्रॉब्लम देगा। इसी तरह से जो अब अगर आप लो कर देते हैं, वर्टिकल लो कर देते हैं, तो उसमें भी जो है वो चीक बाइटिंग भी होगी, आपका एंगुलर चलाइटिस होगा, और जो है ना वो चीक लो वर्टिकल एस्थेटिक प्रॉब्लम भी होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये रिज जो है आपने इसी पर ही हमेशा उसका कंप्लीट डेंचर रहना है, इसको हमने लाजमी जो है वो प्रिजर्व करना है। आपने देखा कि अपर में जो है वो रिजॉर्प्शन जो है वो आपकी अपवर्ड और इनवर्ड है, ठीक है जी, और लोअर में रिजॉर्प्शन जो है वो आपकी आउटवर्ड है, इनवर्ड भी है, लेकिन अल्टीमेटली ये सेंटर ऑफ द रिज जो है वो ही इसकी रिजॉर्प्शन को हम यार्ड स्टिक जो है वो मानते हैं। तो इस तरह से जब रिजॉर्प्शन अगर बहुत ज़्यादा होती है, एक डेंचर जो है वो बहुत देर के बाद आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ लगेगा, तो वेस्टिब्यूल से जो रिज जो है उसका फासला जो है वो ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ आर्टिफिशियल टीथ, ये सबसे बेस्ट प्लेस जो आर्टिफिशियल टीथ लगाने की वो है कि वेयर दे ग्रू, जहाँ पर से वो टीथ इरप्ट हुए थे, जहाँ वो रहे हैं, दैट इज़ दी बेस्ट प्लेस फॉर दी आर्टिफिशियल टीथ, शुड बी प्लेस्ड एज नियर टू दी पोजिशन ऑफ दी नेचुरल टीथ एज पॉसिबल। दी प्रिलिमिनरी पोजिशन ऑफ बोथ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर टीथ इज डिटर्मन ड्यूरिंग दी जार रिलेशन स्टेज। जिस तरह मैंने बताया कि आपने अक्लूजल प्लेन उसकी जो है ना उससे डिटरमिन कर ली आपकी हाइट जो है, और लेबियल प्रोफाइल जो है उससे आपने उनको एंटीरियो पोस्टीरियर पोजीशन जो है वो आपने डिटरमिन कर ली। द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाइट ऑफ द अक्लूजन रिम्स एंड द फुलनेस ऑफ द लेबियल सर्फेसिज एडजस्टेड फॉर एस्थेटिक्स। तो ये आपने जो इंटीरियर टीथ लगाने हैं उनके लिए ये अक्लूजन रिम का जो लेबियल प्रोफाइल है, लेबियल एंगल हॉरिजेंटल प्लेन के साथ, हम यूजुअली जब अक्लूजन रिम बनाते हैं
तो 10 to 15 डिग्री इसको फॉरवर्ड रखते हैं ऑक्लूजल प्लेन के साथ। इंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाइट ऑफ द ऑक्लूजन रिम्स एंड द फुलनेस ऑफ द लेबियल सरफेस इज एडजस्टेड फॉर एस्थेटिक्स। तो उसमें आप ये देखें कि आपका एक लिप लॉन्ग है, एक शॉर्ट है, ठीक है ना, और इसी ऑक्लूजन रिम से आपने इंसाइजल लाइन आपने डिटरमिन की, फिर पेशेंट से कहा स्माइल लाइन, स्माइल उसको करवा के टॉक करवा के तो देखा आपने, आपने स्माइल लाइन भी सामने से ऑक्लूजन रिम पे आपने डिटरमिन कर ली। और ये आपके टीथ जो हैं, इंटीरियर टीथ जो हैं सेंट्रल्स या लैटरल्स हैं, वो जो इसी स्माइल लाइन और लिप लाइन के अंदर हमने रख, ये स्माइल लाइन अगर शॉर्ट लिप्स हैं तो उसमें ये स्माइल लाइन ज़्यादा हो जाएगी, अगर लॉन्ग लिप हैं तो उसमें ये स्माइल लाइन जो है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से सामने से जब हम ऑक्लूजन रिम्स बनाते हैं तो उसमें गाइडलाइंस जो है, जो लैंडमार्क्स जो हैं, हम एक तो लेबियल प्रोफाइल हमने उनका ले लिया, दूसरा पेशेंट के मुंह में जब आपने मार्क की इमेजिनरी लाइन है आपकी मिड लाइन, सारे फेस को सारी बॉडी को हाफ में डिवाइड कर रही है, वो भी आपने ऑक्लूजन रिम पर मार्क कर ली है और उसको ट्रांसफ़र कर लिया आपने मॉडल पर। तो इस तरह से आपने ऑक्लूजल प्लेन हाइट, विड्थ और ये साइज में कॉर्नर ऑफ दी माउथ आपने डिटरमिन कर लिया, ये सारी चीज़ें आप ऑक्लूजन रिम पर पेशेंट के मुंह में मार्क कर लेते हैं। टीथ अरेंजमेंट, इसमें एनाटॉमिकल लैंडमार्क जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, रिज रिलेशन है कि अगर रिज बहुत ज़्यादा रिजार्व है तो उससे टीथ आपके उनकी पैलेटल या लिंगुअल सरफेस जो है वो उतनी दूर रहेगी। बैलेंस ऑक्लूजन में हम टीथ को करते हैं तो उसमें बैलेंस ऑक्लूजन के लिए आपको मैंने बताया था कि हैनोस्क्विंट है, ये 5 इसके हैं फैक्टर, जिसमें पेंडाइलर गाइडेंस है, पाथ आपका प्रोट्रूसिव में जब आपको लोअर जा को ले कर जाते हैं सेंट्रिक से तो आपका ये ट्रैवल करता है कंडाइल ग्लीनाइड फोसा में, तो ये स्लोप की सूरत में जो है वो ट्रैवल, तो इसको आप क्या कहते हैं कंडाइलर गाइडेंस, कंडाइलर एंगल कहते हैं। ये कंडाइलर एंगल जो है ये पेशेंट का अपना है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। बाकी जो हैं वो आपका इंटीरियर टीथ जब आप लगाते हैं तो आप इंसाइजल गाइडेंस जो है वो देखते हैं, अगर नॉर्मली आपके अपर लोअर टीथ नेचुरली आपकी जो लेबियल सरफेस ऑफ लोअर अपर के पैलेटल सरफेस के साथ ग्लाइड कर रही है, स्लाइड कर रही है, तो इससे ये इंसाइजल गाइडेंस जो है वो एक कंडाइलर गाइडेंस के तकरीबन बराबर ही आ जाती है। लेकिन अगर हम ये चीज़ आर्टिफिशियल टीथ में प्रोड्यूस करें तो ये डेंचर को फॉरवर्ड टिल्ट कर देगी, साइड से अगर हम K9 गाइडेंस के टिल्ट करते हैं, फंक्शनल साइड पे जाते हैं तो ये नेचुरल में तो ये क्रिस्चेंसन फिनोमेना बनाएगी कि पोस्टीरियर टीथ हैं उनमें गैप आ जाएगा। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल कंप्लीट डेंचर के केसेस में ये गैप क्रिएट करते हैं तो बेसिस जो हैं वो टिल्ट कर जाएंगी, वो रोटेट कर जाएंगी, वो इंस्टेबिलिटी कर रही, तो हम ये बैलेंस ऑक्लूजन में जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि आपकी बेसिस जो हैं वो उठे ना, कम से कम हमारा ये 3 पॉइंट कांटेक्ट इंटीरियर पे एक और पोस्टीरियर में उस वक्त जब वर्किंग आपकी वो फंक्शनल कस जो हैं वो वर्किंग साइड पर काम कर रही हैं। न्यूट्रल जोन का कंसेप्ट हमने अभी डिस्कस किया कि ये बेस्ट प्लेस जो है आपके टीथ लगाने की वो न्यूट्रल जोन ही है जहाँ से आपके नेचुरल टीथ ग्रो हुए, और एक साइड पे आपके टंग है, दूसरी साइड पर आपके मसल्स हैं, ठीक है। हाइट हमने डिटरमिन की, अगर हम लो वर्टिकल रखते हैं तो ये भी डेंचर को इंस्टेबल करेगी, और अगर हम हाई वर्टिकल रखते हैं तो उसमें भी
डेंचर की स्टेबिलिटी का और अक्लूजन और टीएमजे प्रॉब्लम्स का मसला हो। हाइट भी हमने मेंटेन करनी है, न्यूट्रल जोन को भी मेंटेन करना है, ठीक है, ड्यूरिंग द अरेंजमेंट ऑफ टीथ। ये लैंडमार्क्स जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, इंसाइसिव पैपिला है आपका, ये इंसाइसिव पैपिला अगर कोई किसी के क्लेफ्ट पैलेट नहीं है या कोई एक्सट्रीम रिजॉर्प्शन ऑफ द रिज नहीं है या कोई सर्जरी नहीं हुई पेशेंट की, तो ये सबसे बेस्ट गाइडलाइन है। अगर आप पेशेंट के मुंह में आपने मिड लाइन मार की है तो ये इंसाइसिव पैपिला जो है ये जो बाइसेक्ट करती हुई उस मिड लाइन के साइड जाएगी। अगर इसमें कोई डिफरेंस आता है तो आप रिकंसिडर करें अपनी उस मिड लाइन को जो आपने पेशेंट के मुंह में मार की है। तो इंसाइसिव पैपिला जो है ये आपका एक तो सेंटर ऑफ आपका मिड लाइन जो है वो दे रहा है, दूसरा जो इंसाइसिव पैपिला से आपकी लेबियल सरफेस आपकी इंटीरियर जो है वो 8 to 10 mm है, तीसरा ये है कि अगर आप सेंटर ऑफ द इंसाइसिव पैपिला को वर्टिकल लाइन ड्रा करें और इससे तो ये मॉडल के आपके सेंटर ऑफ दी के नाइन्स तक वो जाएगा। अगर डिस्टल से मार करें तो डिस्टल ऑफ दी के नाइन तक जाए। तो इस तरह से इंसाइसिव पैपिला की इम्पॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। जब आपने देखा ये, इसको आपने रिलीफ भी पहले दिया, उस वक्त भी ख़ास ख्याल रखा इसका, तो अब आपके पास ये इंसाइसिव पैपिला जो है ये मॉडल पर आप मार करके ये गाइडलाइंस इससे हम लेते हैं। इंसाइसिव पैपिला टू कस मैक्सिलरी कस्पर्ट्स आर ऑनलाइन थ्रू द डिस्टल ऑफ इंसाइसिव पैपिला वेरिएबल विद आर्चवा मैंडिबल और बाइकस्पर्ड रेजिडुअल। जिस तरह मैंने आपको बताया कि रिजॉर्प्शन मेनली वर्टिकल इन दिस एरिया, मैंडिबुलर बाइकस्पर्ड्स जो है वो हम पोजिशन ओवर द रिज टू डिटरमिन आर्च वेट फॉर्म एंड स्पेस फॉर द टंग। तो ये हमारे पास एक लैंडमार्क आ जाता है, रिजॉर्ब्ड बाइकस्पर्ड रिज जो है उसके हम सेंटर से ही लेते हैं आपकी जो है वो लाइन जो रिट्रोमोलर पैड को जा रही है। रिट्रोमोलर पैड को हम गाइडलाइन किस तरह लेते हैं, एक तो उसकी हाइट है, मैंडिबल पोस्टीरियर अक्लूजल प्लेन बाइसेक्ट्स रिट्रोमोलर पैड फॉर बेस्ट पोजीशन फॉर बोलस प्लेसमेंट एंड डेंचर टेंशन बाय टांग मसल। तो अगर इससे हमारा टांग इसके ऊपर हार्नेस करेगी आपके अक्लूजल सर्फेस ऑफ द टीथ के, अगर ये नॉर्मल होगी, हार्नेस का मतलब है उसको ग्रिप करेगी, उसमें रिटेंशन में फ़ायदा देगी और बोलस ऑफ फूड जो है वो रोटेट होके दोबारा फिर पॉलिश सर्फेस के ऊपर से अक्लूजल सर्फेस पे आ जाएगा। तो रिट्रोमोलर पैड मैंडिबुलर विड्थ जो है मैंडिबुलर पोस्टीरियर टीथ लोकेटेड इन ट्राइंगल फॉर्म बाय द कस्पर्स टू रिट्रोमोलर पैड विड्थ। तो इस तरह से रिट्रोमोलर पैड हमें एक तो ये बता रहा है कि आपका हाइट हमने अक्लूजल प्लेन की कितनी रखनी है, दूसरी वो विड्थ बता रहा है हमें, वो ट्राइंगल बता रहा है जहाँ से टिप ऑफ दी के नाइन से आपके पोस्टीरियर टीथ जो हैं वो किस एरिया में आने हैं, और वही आपका न्यूट्रल जोन है। ठीक है जी, हाइट भी पता चल गया, विड्थ का भी पता चल गया। तो ये नेचुरल टीथ जो हैं जब वो निकल जाते हैं तो हम ये डिफरेंट गाइडलाइंस ही हैं जिनकी वजह से हम न्यूट्रल जोन में या जहाँ पर वो ग्रो हुए थे इनको फॉलो करके हम आर्टिफिशियल टीथ जो है उसी जगह पर लगाते हैं। वैक्सीन में जिस तरह पहले मैंने बताया आपका कि लेबियल कंटूर सबसे पहले यही है कि जब आपने अक्लूजन रिम बनाया तो आपने देखा कि उसमें आर्बिट्रेरी आपने 22 मिलीमीटर सर्कस के नाइन सर्कस से
आपने एंटीरियर अपर की वैक्स रिम्स की हाइट ली, लोअर में 18 रखी और इसको आपने स्लोप दे दी फॉरवर्ड, जिस तरह लेबियल आपके एंटीरियर्स की इंक्लिनेशन है। लेबियल कंटूर शेप टू सपोर्ट लिप्स, तो इसमें लिप्स को जो सपोर्ट दे रहा है, लिप कर्टन को जो यहाँ लेबियल सरफेस आपकी एंटीरियर टीथ के साथ ये सीट कर रहा है, तो वो हमें वैक्स रिम जो है वो डिटरमिन करवाते हैं। जब आपने वैक्स रिम का एक दफ़ा आपने ये पेशेंट के मुंह में डिटरमिन कर लिया, उसका आउटर इन्फीरियर बॉर्डर जो है, तो उसको आपने फिर टच नहीं करना, उसको फॉलो ही करना है। आर्च फॉर्म, लिप सपोर्ट, फेशियल कंट्रोल्स, तो ये किसने डिटरमिन किया जी? आपके अक्लूजन रिम्स ने। आर्च फॉर्म में आप देखेंगे, मॉडल पर भी आप देखें तो आपको एक आर्च फॉर्म आपको स्क्वेरिश लगेगी, दूसरी टेपरिंग लगेगी, तीसरी ओवॉइड लगेगी। तो ये मॉडल सामने, अगर डिफरेंट मॉडल्स अगर आप स्टडी करें तो उस पर आपको ये आइडिया हो जाएगा। एवरेज वर्टिकल डायमेंशन है, कस्पर्ड सल्कस स्टार्ट्स एट मैक्सिलरी 22 मिलीमीटर एंड मैंडिबुलर 18 मिलीमीटर। तो ये क्या बताता है जी हमें? वर्टिकल पोजीशन ऑफ टीथ, सो दैट अपर एंड लोअर टीथ अपीयर इन नॉर्मल प्रोपोर्शन व्हेन लिप्स जस्ट विद माउथ ब्रीथिंग। वर्टिकल डायमेंशन आपने, एला ट्रेगस लाइन है, वर्टिकल डायमेंशन आपने जब वर्टिकल लिया तो उसमें रेस्ट फ्री वे स्पेस निकाल के वैक्स रिम्स को सील किया आपने, दो निशान लगाए, एक टिप ऑफ द नोज, एक बेस ऑफ द चिन पे, मोस्ट रिलैक्सिंग पोजीशन में जो है फिजियोलॉजिकल रेस्ट पोजीशन पे उनको आपने जो है वो डिटरमिन कर लिया। मिड लाइन व्हेन स्माइलिंग एंड एट रेस्ट विद लिप्स अपार्ट, स्माइल लाइन जिस तरह मैंने आपको बताया, आपकी हाइट और विड्थ जो है वो एंटीरियर लेटरल प्लेन ऑफ अक्लूजन पैरेलल टू आई प्यूपल्स, एंटीरियर स्माइल लाइन एंड कस्पर्ड पोजीशन। ये कस्पर्ड पोजीशन आपने कहाँ से डिटरमिन किए हैं जी? कॉर्नर ऑफ द माउथ से। कॉर्नर ऑफ माउथ को से लिप्स स्लाइटली अपार्ट हो करके तो आपने एक निशान या एक लाइन ली, उसको आपने अक्लूजन रिम्स पर पेशेंट के मुंह में ही ट्रांसफ़र कर लिया। तो इस तरह से आपने ये लैंडमार्क्स में है कि इनको ही जो है ना वो फॉलो करना है, तो फिर आप प्रॉपर न्यूट्रल जोन में या जहाँ पर ये टीथ लगने चाहिए थे तो उस वहीं पर जाए। इसमें एक चीज़ आप ये देखेंगे कि आपके एंटीरियर टीथ जो हैं वो फॉरवर्ड हैं और पोस्टीरियर जो हैं एंटीरियर्स वो बैकवर्ड हैं। तो नीचे वाले टीथ जो हैं वो 1 to 2 मिलीमीटर हाई हैं अक्लूजल प्लेन से, और ऊपर वाले टीथ जो हैं वो 1 to 2 मिलीमीटर जो हैं वो फॉरवर्ड हैं। एक उनमें से इसको हम ओवर जेट कहते हैं, उसको ओवर बाइट कहते हैं। तो ये नेचुरल से हट के हम इनको जो है वो 0.5 to 1 मिलीमीटर जो हैं जो हम वो ओवर बाइट देते हैं, और ओवर जेट जो है वो 1 to 2 मिलीमीटर देते हैं। अब देखें, जब बात हो रही थी इंसाइजल गाइडेंस की, तो उसमें इंसाइजल गाइडेंस जो है ना हमें बैलेंस रिक्लूजन के लिए कम से कम चाहिए। तो कम से कम इसी तरह चाहिए कि आपके ओवर जेट ज़्यादा से ज़्यादा हो और ओवर बाइट कम से कम हो, लेकिन इसमें एस्थेटिक्स का और फनेटिक्स का मसला आ जाता है। अभी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे फनेटिक्स कि ये अगर ये हम दूसरा अगर हम इनको पोस्टीरियर ज़्यादा ले जाते हैं तो आपके जो अपर सेटअप है पोस्टीरियर्स का, K9 और प्रीमोलर में हमें स्पेस देनी पड़ेगी, या लोअर जो है आपका वो जो है उसको
ग्राइंड करके, क्योंकि ये स्पेस जो है उसकी हमने ये ओवर जेट को दे दिया। तो इस तरह से ज़्यादा हम नहीं कर सकते कि फोनेटिक्स का मसला आ जाएगा, लेबियल साउंड डिस्टर्ब हो जाएंगी, बी पी एम, इसी तरह लिंगुअल साउंड्स हैं वो डेंटो लिंगुअल साउंड्स हैं, फिर आपकी डेंटो एल्वियोलर साउंड्स हैं, तो वो सारी ना डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसलिए हमें इसको गैप देना है, क्यों कि रिज की ओवर जेट ज़्यादा और लोअर जो हैं वो थोड़े से पोस्टीरियर ज़्यादा हम क्यों रख रहे हैं, कि उसमें गैप जो है वो हम ज़्यादा दे रहे हैं। वजह कि एक तो ये है कि आपकी जो है वो मूव करे आसानी के साथ, म्यूकोज़ा के ऊपर रिज स्टेबिल, रिज रिजॉर्प्शन का मसला ना हो। दूसरा, जो इंटीरियर्स में है आपका रिज जो है वो बड़ा थिन है, तो अगर आप यहाँ एक्स्ट्रा प्रेशर इसको दे रहे हैं तो बहुत जल्दी रिजार्ब हो जाएगा। और तीसरा क्या है कि क्रिस्टेंसन फिनामिना जो है वो हमने जो नेचुरल टीथ में है वो इसमें नहीं होने देना, तो वो जब आप प्रोट्रूजन में आपके टीथ जाएंगे तो ये कम से कम वो टच करेंगे और वो जो है उसमें डेंचर की स्टेबिलिटी और टिल्ट होने का खतरा नहीं रहेगा। ठीक हो गया। एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स में आपने देखा कि रेजिडुअल रिज जो है वो पोजीशन इन रिलेशन टू द रिज ड्यू टू रिजॉर्प्शन पैटर्न, रिजॉर्प्शन ज़्यादा है तो आपके टीथ जो हैं वो रिज से अपर इंटीरियर जो हैं वो ज़्यादा आगे को आएंगे। जहाँ से रिजॉर्प्शन हो जाए वहाँ तो बोन ही रही नहीं रही, तो हमने तो वहाँ पर टीथ लगाने हैं कि जहाँ पर वो ओरिजिनली थे। तो इस तरह से हम इसको फिर ये कंप्रोमाइज़ करते हैं। हार्श फॉर्म में आपने देखा स्क्वेरिश है, टेपरिंग है, ओवाइड है। स्क्वेरिश में ऑलमोस्ट जो हमारे टीथ जो होते हैं वो स्ट्रेट अरेंजमेंट में आते हैं, और टेपरिंग में जो है वो टेपर करते हैं पोस्टीरियर की तरफ, और ओवाइड में इन बिटवीन। तो यहाँ पर अगर हम स्क्वेरिश में सेंट्रल इंसाइजर लगा रहे हैं तो ऑलमोस्ट ये मिड लाइन के साथ वर्टिकल होगा, लेकिन टेपरिंग में ये 15 to 20 या 10 to 15 का एंगल ये देगा और ये साइड से टेपर होते हुए पीछे जो है वो जाएंगे। रिट्रोमल टू लो, क्लूजल प्लेन काजेज टंग बाइटिंग एंड टू हाई क्लूजल प्लेन कैन काज इंस्टेबिलिटी एंड स्ट्रेन। ये प्रोटोडक्ट जो है ये भी क्लूजल प्लेन हम जब डिटरमिन करते हैं तो ये अपर सेकंड मोलर से 1/4 इंच हाई होती है, और उससे हम ये क्लूजल प्लेन बाज़ दफ़ा भी इससे गाइडलाइन लेते हैं। चीक बाइटिंग जिस तरह मैंने आपने देखा कि जहाँ आपके क्लूजल प्लेन के पैरेलल जो है चीक्स हैं वो उनकी एक लाइन सी बनी होती है, वो भी हम क्लूजल प्लेन उससे भी डिटरमिन कर सकते हैं। रोगी है जी, ये लेबियल सरफेस ऑफ K9 10 to 10.5 mm है। इंसाइसिव पेपिला जिस तरह मैंने बताया आपको, ये मिड लाइन सेंट्रल इंसाइजर परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन जो है वो आपकी K9 की टिप तक भी जा रही है, और डिस्टल से लें तो टोटल K9 एरिया भी हमें बता रही है, और सेंट्रल इंसाइजर से अगर आप इंसाइसिव पैपिला को मेजर करते हैं तो ये 8 to 10 mm आपका इंसाइसिव पैपिला से जो है वो इंसाइजल एज या लेबियल सरफेस आपकी एंटीरियर सेंट्रल इंसाइजर जो है वो इसमें 8 to 10 mm एरिया। एंटीरियर टीथ अरेंजमेंट ये इन्हीं यार्ड स्टिक्स को हमने फॉलो करते हुए एंटीरियर टीथ, जब आपके पास मिड लाइन है और आपका जो है बक्कल और लेबियल सरफेस हैं अक्लूजन रिम्स की, तो उनके अंदर ही रह के आपने सेटअप करना है और इन्हीं लैंडमार्क्स को और यार्ड स्टिक को फॉलो करना है। ठीक है, अब हम किस तरह लगाते हैं, ये एक स्टैंडर्ड अरेंजमेंट
अब इस पिक्चर में आप देखें कि सेंट्रल जो हैं मिड लाइन के दोनों तरफ हैं, लेटरल इंसाइजर जो है वो सेंट्रल से हाफ 1 to 2 मिलीमीटर हाई है। के नाइन जो है फिर वो ओक्लूजल प्लेन, ये ओक्लूजल प्लेन जो है ये आपका इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ दी ओक्लूजन रिम है, जिसको आपने डिटरमिन किया पेशेंट के मुंह में और इसको अब आपने चेंज नहीं करना, ठीक है। इस तरह से के नाइन आप देख लें, ये वर्टिकल भी होते हैं, इनकी नेक जो है वो प्रोमिनेंट भी है और ये इनकी टिप जो है ये ग्लास लैब के साथ या ओक्लूजल प्लेन के इन्फीरियर बॉर्डर के साथ टच कर रही है। ये टीथ है जिस पर आपने इस फुल सेट आपने बनाया, उसमें फेस्टूनिंग की हुई है, कार्विंग, फिनिशिंग, पॉलिशिंग। ये जिस तरह मैंने बात की आपकी ओवर जेट और ओवर बाइट की, तो ये अपर टीथ हैं, लोअर टीथ हैं, ये थोड़ा सा रिज से बाहर आपको निकलते हुए नेचुरल रूट्स इनकी शेप के मुताबिक नज़र आ रही हैं। ओवर जेट हम थोड़ा सा ओवर बाइट से आर्टिफिशियल टीथ में ज़्यादा रखते हैं, ताकि इसमें इंसाइजल गाइडेंस जो है वो लोअर डेंचर फ्रीली मूव कर सके और इसमें 3 पॉइंट कांटेक्ट और उसमें नेचुरल टीथ जैसा क्रिस्टेंसन फिनोमेना ना बने। क्रिस्टेंसन फिनोमेना क्या है कि साइड से जब आप नेचुरल टीथ को अगर आप के नाइन अपने मिलाएं तो दूसरी साइड के टीथ आपस में नहीं मिलते। यही चीज़ अगर कंप्लीट डेंचर में रहे तो इससे जो है वो बेसिस लेफ्ट साइड की लिफ्ट कर जाएंगी, टिल्ट कर जाएंगी, ठीक है ना, और स्टेबिलिटी का मसला है। वर्टिकल ओवरलैप हमने जो बताया मैंने, ओवर बाइट भी जिसे कहेंगे 0.5 मिलीमीटर एंड 1 to 2 मिलीमीटर ऑफ हॉरिजेंटल, इसे हम ओवर जेट भी कहते हैं, मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन दी मैक्सिलरी एंटीरियर एंड देयर मैंडिबुलर टीथ टू अचीव ए लो इंसाइजल गाइडेंस। मैंने यही कहा आपसे कि हमने कंडाइलर गाइडेंस को चेंज नहीं कर सकते, इंसाइजल गाइडेंस जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं। और बाकी इसमें आपने देखा कि ओक्लूजल प्लेन है आपका, ये कर्व ऑफ स्पी है, पोस्टीरियर टीथ अरेंजमेंट में हम डिस्कस करेंगे, कर्व ऑफ स्पी है जो आपकी टिप ऑफ दी के नाइन से आपकी कस्प्स के टिप्स को लेते हुए कंडाइल तक जाती है, वो कर्व ऑफ स्पी है। कर्व ऑफ विल्सन है आपकी जो आपकी मीडियोलेटरल कर्व आपकी लोअर टीथ बना रहे हैं एक साइड के दूसरी साइड की तरफ। और कंडाइलर आपकी गाइडेंस जो परमानेंट है और इंसाइजल गाइडेंस, ओक्लूजल प्लेन और आपकी ये कर्व्स हैं जी, और आपका ये कस्पल इंक्लिनेशन जो है, तो इस तरह से ये हैनोज क्विंट में ये चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं सिवाए कंडाइलर गाइडेंस के। बाकी जितने फैक्टर्स हैं उनको हम अपने बैलेंस ओक्लूजन करने के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं। लो इंसाइजल गाइड एंगल इज़ बोथ एस्थेटिक एंड फंक्शनल, तो ये एस्थेटिक्स भी इसमें इतने में कंप्रोमाइज़ नहीं हुई, लेकिन अगर आप इन लोअर को बहुत पोस्टीरियर ले जाएंगे तो एस्थेटिक भी कंप्रोमाइज़ होगी, फंक्शन भी कंप्रोमाइज़ होगा और फोनेटिक्स भी। तो ये हम ओवरलैप जो है वो 0.5 मिलीमीटर तक देते हैं और आपका ओवर जेट जो है हॉरिजेंटल ओवरलैप जो है वो 1 to 2 मिलीमीटर। तो ये इनका रिलेशन अपर का लोअर के साथ आपने देख लिया। और दूसरा ये लोअर जो हैं वो लोअर के नाइन जो है वो अपर टिप ऑफ दी के नाइन जो है वो इसके लोअर के नाइन की डिस्टल वाल के साथ अटैच होना चाहिए, ठीक है। इंटीरियर लोअर इंटीरियर सेट टू कॉर्नर ऑफ द माउथ आर द इंटीरियर रेफरेंस फॉर द पोस्टीरियर ओक्लूजल प्लेन,
तो उसमें आपने ये देखा कि कॉर्नर ऑफ माउथ के ऊपर आपकी कॉर्नर ऑफ माउथ पर क्या है जी, कॉर्नर ऑफ माउथ पे टिप ऑफ द के नाइन जो है वो कॉर्नर ऑफ माउथ के साथ ही आ रही है। ठीक है, ये लोअर इंटीरियर हमने लगाए हैं, अगर पहले इसका सेटअप करते हैं तो मैक्सिलरी इंटीरियर जो है सेट फॉर द बेस्ट स्माइल, लिप सपोर्ट एंड वर्टिकल डायमेंशन। आपने वर्टिकल भी डिटरमिन किया है, लिप सपोर्ट भी पेशेंट के मुंह से अक्लूजन रिम्स की शक्ल में ली है, स्माइल लाइन भी आपने डिटरमिन की है। तो इस तरह से आपका इंटीरियर और लोअर जो है वो आपके मिनिमल ओवर बाइट एंड क्लियर ओवर जेट, ये आपने मॉडल्स पर निशान भी लगाया हुआ है कि जहाँ तक आपके के नाइन्स जो हैं वो, और ये जितनी आपने इसकी विड्थ मेजर की है उसी साइज़ के, उसी लेंथ के या विड्थ के आपने ये टीथ जो हैं मोल्ड नंबर से लिए हैं, जो फैक्ट्री वाले या जो डिटरमिन करते हैं तो उसी मोल्ड के ही आपने ये टीथ लें। ये साइज़ जब डिटरमिन हो गया तो फिर आपने टीथ भी उसी साइज़ के लेने, अगर बड़े लगा दिए तो क्या होगा, अगर छोटे लगा दिए तो क्या होगा। ये आपकी राय जो है आपकी का लिप के पैर का उसकी जो हाइट है उसके मुताबिक आपने जो लोअर इंटीरियर जो हैं वो लगाने हैं, फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द माउथ टू दी अदर। आर्टिफिशियल लोअर टीथ, लोअर लिप, लेफ्ट जो है जी वो करेक्ट हाइट आपने देख ली, मिडल में आपने सेंट ये इंसाइजर लोअर जो है ये टू हाई लगा दिए हैं और राइट पे टू लोगो लगा दिए। इसमें एस्थेटिक का भी मसला आएगा और फिर फनेटिक्स का भी मसला आएगा। तो इसमें आपने ओवर जेट और ओवर बाइट का ख़ास ख्याल रखना है जिससे आपका जो है ये अरेंजमेंट ऑफ टीथ इंटीरियर्स को फॉलो। अब किस तरह से हमने मैक्सिलरी सेंटर इंसाइजर जो है वो किस तरह लगा रहे हैं, ये बड़ा आसान ही है कि ये मिड लाइन आपने डिटरमिन की है, सेंटर इंसाइजर जब आपने लगाने हैं तो उतनी ही वैक्स जो है वो अक्लूजन रिम से एक इंसाइजर के लिए या दो सेंटर इंसाइजर के लिए निकाली है, मिड लाइन को फॉलो किया है और ये आपके सेंटर इंसाइजर जो हैं स्लाइटली आपके टूवर्ड्स दी मिड लाइन इंसाइजर है जिनका आप देख रहे हैं। इंसाइज एज जो है वो आपका अक्लूजल प्लेन या ग्लास स्लैब जो जिससे आप सेटअप कर रहे हैं उसके ऊपर ये टच करेगा, लेकिन लेटर इंसाइजर आप देख रहे हैं कि उसमें ये मीडियल इंक्लिनेशन भी थोड़ी सी ज़्यादा है और ये हाफ टू वन, 1 to 2 मिलीमीटर जो है ये ग्लास स्लैब से ऊपर है। ये हमने एक सेंटर इंसाइजर लगाया जिस तरह मैंने बताया आपको। लेटर इंसाइजर ज़्यादा टिल्ट कर रहा है और थोड़ा सा क्लोजर प्लेन से हाई है। इसमें जिसकी जो नेक है ये ज़्यादा डिप्रेस होगी और सेंट्रल की इतनी ज़्यादा डिप्रेस नहीं होगी और के नाइन की जो है नेक वो प्रामिनेंट होगी। मैक्सिलरी के नाइन जी के नाइन जो है ये की इस तरह से एक्लूजन बनती है कि ये
आपकी डिस्टल जो है इंक्लाइन ऑफ द लोअर केनाइन, जिस तरह पहले मैंने बताया कि अलाइन विद द मीजियल इंक्लाइन ऑफ द अपर केनाइन। लोअर के बारे में हम बता रहे हैं जी, मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर आर सेट विद द लॉन्ग एक्सिस परपेंडिकुलर टू द अक्लूजल प्लेन विद द नेक डिप्रेस्ड। तो इसमें ये आपका ये देखें कि लोअर एंटीरियर जो है इसमें रिज रिजॉर्शन थोड़ी ज़्यादा होती है एंटीरियर से, तो हम टीथ जो हैं वो इस तरह से सेट करते हैं कि उनकी रूट्स जो हैं वो रूट्स उनकी रिज से नीचे निकलती हुई नज़र आ रही हैं, तो इसकी इंक्लिनेशन थोड़ी सी हम बाहर की तरफ कर देते हैं। तो इसमें आप ये देखें जब हम इंटीरियर की अरेंजमेंट करते हैं तो आमतौर पर पेशेंट कहता है कि जी मेरे नीचे वाले टीथ जो थे वो ओवर क्राउडेड थे, तो हम उनकी थोड़ी सी नॉर्मल से हट के उनको टिल्ट भी दे देते हैं, थोड़ी ओवर क्राउडिंग भी करते हैं पेशेंट की, इसे करैक्टराइजेशन हम कहते हैं। जिस तरह अगर ओल्ड एज का एक पेशेंट है तो उसमें ज़्यादा ओल्ड एज का है, चलो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो अपर उसके लिप्स जो हैं वो लेस टोनिसिटी ऑफ द मसल जो हैं वो नीचे फॉल करते जाते हैं, तो एक यंग पेशेंट की निस्बत तो उसके लिप्स जो हैं अपर इलांगेटेड हैं, और इसी तरह से लोअर जो हैं वो उसके नीचे और डाउनवर्ड हो गए हैं, तो उसमें लोअर टीथ हो सकता है थोड़े आप ज़्यादा शो कर सकते हैं। अगर उस आप ये देखते हैं कि उसमें एज के लिहाज से अगर नेचुरल टीथ हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें वो अट्रियन हो गई थी तो रिसेशन हो गई है, तो उस तरह से हम उनके एंगल्स जो हैं वो एज के लिहाज से इंसाइजल जो उसका एंगल है उसको स्ट्रेट भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये करैक्टराइजेशन में आता है कि पेशेंट ने कभी क्राउन लगवाया था तो वो नेचुरल टीथ में बड़ी देर रहा तो वन टूथ एक डिसकलर था, तो कहता है जी मेरे डेंचर में ये एक दांत जो है ना आप इस मुख्तलिफ शेड का आप लगा दें, उस पर क्राउन लगा था या वैसे चोट की वजह से डिसकलर था, दूसरा उसमें मेरे नेचुरल टीथ जो थी जी उनमें डायस्टीमा था तो आप उसमें डायस्टीमा जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं अप टू दी नॉर्मल लिमिट। डायस्टीमा बड़ा केयरफुली आपने करना, यहाँ से फिर आपका डेंचर जो है ब्रेक होने का ख़तरा रहेगा। स्पेसिंग वो कहता है तो एंटीरियर टीथ में हम जो है वो लेटरल के साथ या सेंट्रल के साथ स्पेसिंग भी दे सकते हैं, तो इस तरह से ये पेशेंट की विश डिज़ायर के मुताबिक नॉर्मल अरेंजमेंट से हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर्स आर सेट विद द लॉन्ग एक्सिस परपेंडिकुलर टू द अक्लूजल प्लेन विद द नेक डिप्रेस्ड, तो ये जब नेक डिप्रेस्ड होगी तो थोड़ा सा ये लेबियल साइड पे आ जाएगा। मैंडिबुलर लेटरल इंसाइजर्स आर सेट विद द स्लाइट मीजियल इंक्लिनेशन, तो स्लाइट मीजियल इंक्लिनेशन हमने दे दी है और इसको थोड़ा सा बाहर हम दे गए हैं। ये आप देख रहे हैं अब इस डायग्राम में आपने लैटरल को थोड़ा सा मीजियल इंक्लिनेशन दी है और इसमें आउटवर्ड जो है वो आपका जो है वो लेके गए हैं सेंट्रल को लिप की साइड पे इंसाइजल आई से, और लैटरल जो है उसको भी उसी तरह से थोड़ा सा वर्टिकल साइड पे हमने रखा है। और K9 का आपने देखा कि इसको हमने इसकी नेक जो है वो प्रोमिनेंट रखी है, बाकी इसकी वर्टिकल। मैंडिबुलर K9 हैव मोर मीजियल इंक्लिनेशन देन द लैटरल इंसाइजर एंड द नेक इज सेट प्रोमिनेंट, नेक इनकी वो टोइड शेप हम इसे कहते हैं वो प्रोमिनेंट लोअर में भी हम करते हैं और अपर में भी करते हैं,
और K9 जो है ये आप अपर में आप देखेंगे कि जब आपने ये लगाया तो इसका हाफ जो है ना आपको सामने से नज़र आ रहा है और हाफ जो है वो डिस्टल साइड पे चला गया है, वो पोस्टीरियर्स पे चला गया है। तो एंटीरियर्स में तो इसका जो है वो आपका जो लेबियल प्रोफाइल आपने ऑक्लूजन रिम्स के साथ बनाया है, और पोस्टीरियर्स में इसको हमने इस तरह से सेट करना है कि इसकी जो पोस्टीरियर जो इसकी डिस्टल जो है सरफेस फ्रंट की वो लाइन ड्रा करे और वो जाए कहाँ तक, कहाँ तक, हेमुलर नाच तक। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग जो टूथ है आपका फेस का, तो उसमें सामने भी नज़र आता है और पोस्टीरियर्स भी यहाँ से शुरू हो रहे हैं, उसके पीछे प्री मोलर्स हैं। नेक आपने प्रामिनेंट कर लिया, ठीक है। तो ये आपने रैम का भी ये क्वेश्चन है कि K9 की आपने नेक्स्ट जो हैं वो अपर भी और लोअर भी, और ये कहाँ डिप्रेस रखनी है, स्ट्रेट रखनी है या प्रामिनेंट करनी है। ये थोड़ा सा स्पीच के बारे में, फोनेशन क्योंकि एंटीरियर टीथ की अरेंजमेंट के दौरान फोनेटिक्स जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, और फोनेटिक्स के लिए जो है वो बहुत से पेशेंट बड़े सेंसिटिव होते हैं, जिस तरह लायर्स हैं, टीचर्स हैं, और इस तरह से जजेस वगैरह या मीडिया वाले, तो इनको हमने लाजमी फोनेशन के हवाले से हमने इन टीथ को वहाँ पर रखना है कि जहाँ पर उससे ये साउंड्स जो हैं, लेबियल साउंड्स, लेबियो डेंटल साउंड्स, एल्वियोलो लिंगुअल साउंड्स, पैलेटो लिंगुअल साउंड्स, ये सारे जो हैं ये साउंड्स अफेक्ट करती हैं विद रिलेशन टू दी अरेंजमेंट ऑफ टीथ। अब इसमें ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, जिस तरह भी हम ये थोड़ा आप याद कर लेंगे तो इसका आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ये डिफरेंट साउंड जो है, ठीक है जी। अब इसमें हमारे मुतलका जो है वो ये क्या है कि बाई लेबियल साउंड है, कि मसलन जिस तरह मैंने पहले बताया कि एम साउंड है, अगर आप एम निकालते हैं साउंड तो ये दोनों लिप्स आपस में मिले हुए हैं, अगर नाम लाएं और एम साउंड निकालें तो नहीं निकले। तो ये एम साउंड निकालने का एक एक तो ये साउंड हमने प्रोड्यूस करनी है, और उसमें हमें आइडिया हो जाएगा कि आपका जब आप एम अप करें, आप एम साउंड निकालें तो आपके टीथ जो हैं वो मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, तो क्या है उनके दरमियान, उनमें फ्री वे स्पेस आ गई है। तो ये रेस्ट पोजीशन जो है आपकी वर्टिकल की जो है ना वो भी एम साउंड डिटरमिन करती है। तो एम साउंड निकालने के लिए आपके बोथ लिप्स विल मीट, इसी तरह बी आप देखें, पी देखें, तो ये नॉर्मल अगर आपके स्ट्रेच्ड लिप हैं, लिप्स मेट ही नहीं कर रहे तो ये साउंड जो हैं वो नहीं निकलेंगे। इसी तरह ये लेबियो डेंटल साउंड है, जब आपकी एफ और वी साउंड निकलती हैं तो आपका लोअर बॉर्डर, वर्मिलियन बॉर्डर जो है आपका लोअर लिप का, वो ऊपर इनसाइजल एजेस को मीट करेगा। तो इसलिए ये साउंड्स सारी आप ज़रा देख लें, लिंगो डेंटल साउंड्स है, था है, ये अब आप खुद प्रैक्टिस करें कि लिंगो डेंटल साउंड था निकालने के लिए आपकी टांग मूव की है, कहाँ टच की है, टीथ की इनर सरफेस के साथ, कौन से टीथ, अपर। इसी तरह एक एक तो साउंड आपने निकाली जिससे आपकी पैलेटल सरफेस के साथ आपकी टांग टच की है, दूसरी साउंड निकाली जिसमें आपकी जो है वो टांग जो है वो एल्वियोलर जो है, एल्वियोलस या गम एरिया जो है
वहाँ पर टच कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी साउंड्स जो हैं वो अफेक्ट करेंगी, ये प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं हो सकेंगी जब तक आपके एंटीरियर टीथ जो हैं वो प्रॉपर सही जगह पर आप उनका अरेंजमेंट नहीं करेंगे। फिर ज़रा एक दफ़ा देख लें आप, बाइलेबियल साउंड्स BPM, लेबियोडेंटल साउंड FV, ये कहाँ उसी एरिया को टच कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस खुद भी करें आप, और आप जब अरेंजमेंट ऑफ टीथ में ये चीज़ें अप्लाई करेंगी तो इसमें फोनेटिक्स का जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। लिंगोडेंटल साउंड है था, लिंगो एल्वेलर साउंड है TDSN, लिंगो पैलेटल है SZ SH CH एंड J, और पैलाटो लिंगुअल K NAG G। तो ये साउंड्स हर जो आपका ये जो है वर्ड जो है ये उससे पोजीशन से चेंज हो जाता है, टंग की पोजीशन से। टंग ने तो मूव करके वहाँ तक पहुँच जाना है, लेकिन अगर आगे आगे उसको टीथ ही ना मिले या पहले मिल गए तो फिर क्या होगा, ये साउंड्स मिक्स हो जाएंगे, एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, तो प्रोनाउंसिएशन में इसका इफ़ेक्ट आएगा। तो हमने एंटीरियर टीथ जो है वो सिलेक्ट किए हैं साइज, शेप और कलर के लिए, फिर इनको सिलेक्ट करके अपने पास रख लिया, ठीक है जी ये हमने टीथ लगाने हैं, इनकी लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, स्माइल लाइन इतनी है, ये ठीक है। फिर उनको हमने अरेंज इस तरह से करना है कि एस्थेटिकली वो प्लीजिंग हैं, नॉर्मल उस जगह पे हम लगा रहे हैं जहाँ पर नेचुरल टीथ थे, और दूसरा फोनेटिक्स हमने इस तरह से कॉपी करना है, दोबारा बनाना है हमने, कि ये साउंड्स जो हैं वो नॉर्मली जो हैं। तो फोनेटिक्स जो है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इस और इसमें आप इंटीरियर टीथ में इतना फंक्शन तो हम नहीं लेते, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ बाइट करनी पड़ जाए, होल्ड करनी पड़ जाए, मसला ये सिंगर्स हैं, ये पाइप होल्डर्स जो हैं अपने वो इंस्ट्रूमेंट्स होल्ड करते हैं, तो उनका हम बड़ा ख्याल रखते हैं कि उनको एक ऐसा ग्रिप देते हैं इंटीरियर टीथ से कि कंप्लीट डेंचर भी लगा हुआ है और वो अपना इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो इंटीरियर टीथ से भी होल्ड उन्होंने किया हुआ है। और तो इस तरह से ये स्मोकर जो हैं वो पाइप का उस वक्त तक स्मोक उसको उनको टेस्ट नहीं आता जब तक वो ग्रिप ना करें इंटीरियर टीथ के साथ अपना सिगार या ये पाइप जो है। तो ये सारी चीज़ें हम नेचुरल भी करते हैं, कंप्रोमाइज़ भी करते हैं। इंटीरियर्स में हमारे पास चूँकि हमने बैलेंस ऑक्लूजन लेना है तो नेचुरल से थोड़ा सा हट के हमने ओवरजेट और ओवर बाइट रिप्रोड्यूस की, इतनी थोड़ी सी की कि हमारा जो फोनेटिक्स है और एस्थेटिक्स जो है वो कंप्रोमाइज़ ना हो, ठीक है जी। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें आप। आजकल ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है बेटा कि घर पर रहें, आइसोलेटेड रहें, और इसमें अपनी नॉर्मल लाइफ इस तरह से बनाएं कि आप जो है वो अपनी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा, खुराक की तरफ, कोई अपनी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। अगला हमारा लेक्चर जो है इंशाल्लाह वो पोस्टीरियर टीथ अरेंजमेंट के हवाले से होगा। अब मुझे नहीं पता आपने कोई इसमें टेस्ट, कोई इंटरवेंशन, डॉक्टर ज़ैर साहब हैं, डॉक्टर इकरा हैं, मैं हूँ, और डॉक्टर सानिया, काफ़ी आपकी अटेंडेंस वगैरह जो है, तो ये आप हमें जो जिस तरह से इंस्ट्रक्शन हैं बेटा कि ये अटेंडेंस आपने काउंट करवानी है, आपकी अटेंडेंस मार्क होनी चाहिए, ये सारा कुछ आपके लिए अरेंज हुआ है। तो अटेंडेंस अगर शॉर्ट होगी तो कोई आपके लिए एक्सक्यूज़ नहीं है, पहले की तरह जो है ना सारी फैकल्टी IT वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो इसमें
जितना भी आप भी कंट्रीब्यूट कर सकें वो करें आप। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुशियाँ दे, तंदुरुस्ती दे। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।